सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद रीवा आरटीओ द्वारा 2 सैकड़ा स्कूल बसों को पकड़कर उनकी जांच पड़ताल की गई। इस दौरान शिविर लगाकर चालकों का जहां नेत्र परीक्षण हुआ, वहीं बसों के फिटनेस संबंधित जांच पड़ताल भी की गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न होने के चलते कई बार सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें कई बार बच्चों की जानें जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि फास्ट ट्रैक सीसीटीवी कैमरे इमरजेंसी गेट स्कूल बसों में अनिवार्य है, लेकिन जांच पड़ताल के बाद बस संचालक और स्कूल प्रबंधन लापरवाही करता है, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से आरटीओ द्वारा की गई कार्यवाही के चलते विद्यालय प्रबंधकों के बीच हड़कंप मच गया और जांच पड़ताल की गई है। पूरे मामले को लेकर रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी ने क्या कहा, वह भी सुनते हैं। सड़क सुरक्षा समिति के बैठक में निर्णय लिए गए थे कि जो रीवा जिले में स्कूल बसें संचालित हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। वो बस पीले रंग की हो, बस में फर्स्ट एड बॉक्स हो, बस में GPS एवं कैमरा लगे होने चाहिए, अर्थात बस जो है सुरक्षा मानकों का पालन करे। इसका परीक्षण करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज रीवा जिले की समस्त बसों को मार्तंड स्कूल के परिसर में बुलवाया गया है। देखिए, इन पर कार्रवाई निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इसीलिए इन बसों को विशेष तौर पर जो स्कूल बसों को आज इकट्ठा किया गया है कि इनके हम प्रत्येक जो है मापदंड को चेक कर लें और आज ही इनको सुधार कर भिजवाएंगे। ये स्कूल बसें तभी यहाँ से जाएंगे जब उनमें कमी है उसको दूर कर लें। साथ ही आज जो है ड्राइवर्स का काउंसलिंग भी आयोजित की गई है। ड्राइवर को बेसिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी कराया जा रहा है। डॉक्टर की टीम उनका नेत्र परीक्षण कर रही है। इसी के परिणाम स्वरूप आज जो है रविवार के दिन, जिस दिन स्कूल की छुट्टी रहती है, इसीलिए समस्त बसों को इकट्ठा किया गया है और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।